आपको कैसे लगता है कि आपकी फिल्म को जीरो जो नाम है वो रिप्रेजेंट कैसे करता है आपकी फिल्म को? तो जीरो में भी बहुत मायने। आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण रहा हो जिसमें आपने खुद को जीरो समझा हो खुद को? मैं शायद कुछ भी नहीं, हम जिंदगी को मौका नहीं देते। आई थिंक कॉमन मैन बहुत असली होता है। तो कभी आगे की योजना है इस टीम के साथ दोबारा, या कोई योजना बनी है अभी? हमारे पास प्लान है लेकिन कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। आपको लगता है जीरो पार्ट टू भी बननी चाहिए? अगर लोगों को पसंद आ गई तो हमें बहुत 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 खुशी होगी, क्योंकि आप यूनिक नहीं होते तो इस धरती पे आपका कुछ काम नहीं। मैं हूं मुकेश कुमार गजेंद्र, पिंक विला हिंदी रश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान। आइए सीधे लेके चलते हैं शाहरुख खान जी के पास और जानते हैं उनकी फिल्म जीरो से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। नमस्कार सर, पिंक विला हिंदी रश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी फिल्म का नाम जीरो है, आपको कैसे लगता है कि आपकी फिल्म को जीरो जो नाम है वो रिप्रेजेंट कैसे करता है आपकी फिल्म को? इसमें इसके दो मायने थे कि जीरो जो है एक इस किस्म का नंबर है जो शायद अपने आप में लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लग जाए आगे या पीछे वो दूसरे की रचना जो है उसको भी बदल डाल सकता है। और एक तरीका होता है कि हम सोचते हैं जीरो मींस सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नादिर, आप जिंदगी के सबसे नीचे वाले स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन इसको देखने का एक नज़रिया ये है कि शायद भगवान जो सृष्टि है वो आपको एक और मौका दे रही है शुरू से शुरुआत कर रही है। सो उसका थोड़ा एक पॉजिटिव आउटलुक अगर देखें तो जीरो में भी बहुत मायने है। ना मानो तो कुछ नहीं है और अगर मानो तो फुल है। सो आई थिंक ये फिल्म जो है वो ऐसे लोगों के बारे में है, कॉमन लोगों के बारे में, आप और मुझ जैसे लोगों के बारे में, सब लोगों के बारे में जो जिंदगी में हमेशा ऐसा महसूस करते हैं या करवाए जाते हैं कि आप अभी जो हो पूरे नहीं, आप यार ये क्यों नहीं हुए, बड़े क्यों नहीं हुए, अमीर क्यों नहीं हुए, खुश क्यों नहीं हुए, तुम पढ़े क्यों नहीं। सो हमें जल्दी से मान लेना चाहिए कि जो भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है वो इसी रूप में दी है, इसी फिजिकल रूप में, इसी यही दिल दिया है और यही दिमाग दिया है, हम यही हैं, हम बदलेंगे नहीं। तो हम ज़िंदगी ज़ाया ना करें और हम कोशिश करें कि वक्त इसमें और इस होड़ में कि हम कैसे हो सकते थे या शुड बी कुड बी वुड बी, हम जिंदगी को सेलिब्रेट करें। सर आप तो सुपरस्टार हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण रहा हो जिसमें आपने खुद को जीरो समझा हो खुद को? मैं सचमुच इस बात को मानता हूँ, इसलिए नहीं कि फिल्म है, कि मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं हीरो जैसा दिखता हूँ या उनकी तरह डांस कर सकता हूँ हीरोज़ की तरह, या मैं उनकी तरह फाइट कर सकता हूँ, या मुझे डायलॉग बोलना आता है। तो मुझे इस बात का ज्ञान था कि मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ और क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ। मैंने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, किसी की तरह होने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आप अपनी माँ बाप की बातों पर विश्वास किया कि यार आप ना जैसे भी हो तुम हो, तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना। और शायद इसी की वजह से मैं वो सब कर सका जो मुझको आज हासिल है, कि मैं कॉपी नहीं किया तो मैं नेगेटिव रोल कर लिया, किसी ने कहा ये फिल्म में तुम सेकंड हाफ में आओगे, मैं कोई बात नहीं यार मैं यही हूँ। मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि यार तुम हीरो नहीं बन सकते, मैं कहा वो भी ठीक है, मैं नेगेटिव में विलन बन जाऊँगा। तो मैं बस वो करता रहा जो मुझे पसंद था, जो एक्टिंग, और यही लक्ष्य है इस फिल्म का, बहुत हंसी मजाक के अंदर आपको समझाने के, कॉमेडी है पिक्चर बहुत एंटरटेनमेंट में, कि यार जो तुम हो उसी से खुश होकर आगे बढ़ो। तो ज़िंदगी जो है हम ज़िंदगी को मौका नहीं देते कि हमारा ध्यान रख सके, हम यही सोचते रहते हैं कि हम अपना ध्यान रखें, जिंदगी आपका ध्यान रख लेगी। बबुआ सिंह को कैसे अपनी ज़िंदगी के करीब कैसे पाते हैं आप? कि बबुआ सिंह जैसे चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, वो हमारी आम आदमी के, आप एक सुपरस्टार की लाइफ के करीब कितना क्यों है? एक सच्चाई होती है एक बेसिक आदमी में, एक कॉमन मैन के अंदर, और वो सच्चाई कभी ना कभी हिल जाती है, अलग हो जाती है जब हमारी ज़िंदगी में थोड़ा नकलीपन आता है। आई थिंक कॉमन मैन बहुत असली होता है और कॉमन मैन की मुझे ना कॉमन प्रॉब्लम्स को ओवरकम ना बड़ा हीरोइक लगता है। हम अमूमन जो फिल्में बनाते हैं उसमें लार्जर देन लाइफ हीरो होता है, बड़ा होता है, उड़ जाता है, 10-20 को मार देता है। मुझे लगता है एक जो पिता है वो सोचता है मैं 6 महीना जो है ट्रेन में ट्रैवल करूँगा, ऑटो नहीं लूँगा कि मेरी बेटी जो है कॉलेज की पढ़ाई की फ़ीस दे सके। आई थिंक वो बहुत वो हीरो है और वही ज़ीरो है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें मैं बात होती है, इट्स नॉट स्पेशल टू बी स्पेशल, इट इज़ स्पेशल टू बी ऑर्डनरी। आई थिंक ऑर्डनरी लोगों की जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो बहुत मुझे हीरोइक और मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग मैंने सुना कहीं आप बता रहे थे कि 150 मेरे ख्याल से 1.5 साल या 2 साल के आसपास चली है,
इसमें पूरा क्रू मेंबर सारे जो भी कलाकार थे सब आपके साथ रहे। मैं कुछ एक ऐसे वो पल जानना चाहता हूँ, वो कुछ ऐसे क्षण जानना चाहता हूँ जिस समय जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो यादगार पल कौन से रहे इस पूरे फिल्म की शूटिंग के दौरान? सबसे यादगार है बात यू नो कि हम 2 साल काम किए, 200 दिन तक काम किए, मैं और आनंद और हिमांशु जो हैं 2.5-3 साल से मिलते रहते हैं, रात को बात करते हैं, मैं शूटिंग करता था दूसरी फिल्मों की, उनका जो प्यार है ना वो क्षण मुझे बहुत याद रहेगा। अभी भी अभी आए वो मुंबई से तो पहली चीज मेरे को आगे कर लगा बड़ा दुख हो रहा है, उनका फिल्म दे दी हमने, अब वो चले गई है थिएटर्स के लिए, आज रवाना हो गई है, तो सर अब हमारा तो सब खत्म हो गया। तो आई थिंक वो जो क्षण है उनके साथ बैठ के बातचीत करने का, हंसने का, खाने का, खाना खाने का, उनको खाने का बहुत शौक है, और लूडो हम खेलते थे सेट के ऊपर, पूल टेबल खेलते थे क्योंकि वक्त बहुत था बीच में, हर शॉट के बीच में 2-2 घंटे लगते थे। तो बहुत सारे क्षण हैं, फिल्म मेकिंग के क्षण एक अलग तरफ है, जो हमने सीन किए, जो हमें अच्छे लगे, बुरे लगे, जो हमने ठीक किए, जो खराब किए, और जो हमने उसके दौरान जो पर्सनल लाइफ में चीजें देखी, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा छोटा बच्चा 3 साल का था, 5 साल का हो गया, जी, सो ये सब बातें जो देखी हमने, जो साथ में शेयर की, आई थिंक वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है और मिस करूंगा मैं। आप अभी कह रहे थे कि जो आपकी टीम थी लोगों को लगता है मिस कर रहे हैं, तो कभी आगे की योजना है इस टीम के साथ दोबारा, या कोई योजना बनी है अभी? तो यार जब ज्यादा मिस करते हैं ना, रात को बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये वाली फिल्म कर लें, चलो ये कर लेते हैं, हर रोज एक फिल्म लिख लेते हैं कि सर अगली वाली ये कर लेंगे, सर ये कर लेंगे, फिर ये काम से ही जूझते रहते हैं। बट हाँ इंशाल्लाह हमारे पास प्लान है, लेकिन कहानी नहीं है, पहले भी नहीं थी, जो हमने शुरू की थी, तो हो सकता है हम शुरू कर ले और कहानी बाद में देख लेंगे। पर जीरो जिस तरह से बनाई गई है, जिस तरह से उसका पूरा वो रहा है, आपको लगता है जीरो पार्ट टू भी बननी चाहिए, या आप पहले से प्लान में है आपके जीरो पार्ट टू लाना? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था, हमने एक ही बना ली, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत मेहनत से भी, और जो ये कहानी की फ्लाइट है, अगर लोगों को पसंद आ गई तो हमें बहुत खुशी होगी। और मुझे ऐसा मानना है कि जब आप प्लान करते हैं सीक्वल्स या प्रीक्वल्स, वो पहले से होने चाहिए कहानी के अंदर, या कोई अच्छी चीज बन जाए इंशाल्लाह, जैसे जीरो है जी, तो उसको उसी अच्छाई में छोड़ देना चाहिए कि जैसी है वैसी रहे और खुश रहे। अच्छा, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, तो जैसे आपने बताया फिल्म में खूब हंसा रहे हैं लोगों को, खूब हंसाएंगे, एंटरटेन करेंगे, पर मुझे लगा कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक मैसेज छिपा है। ऐसा लग रहा है कि हर तरह के स्पेशल कैरेक्टर लिए गए हैं, चाहे बहुआ सिंह हो, चाहे अलग अलग, सबका कुछ ना कुछ एक अलग मैसेज दे रहा है, तो एक सोशल मैसेज कुछ है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर जीरो देखने जाएंगे तो एंटरटेनमेंट के साथ कुछ एक मैसेज लेके आएंगे, क्या होगा वो मैसेज? मैसेज यही है कि हमने 3 किस्म की जो कमियां इंसान महसूस करता है उसको दर्शाया, जैसे मैंने बोला कभी होती है शारीरिक होती है, मानसिक होती है, और एक इमोशनल होती है, एक जज्बातों की कमी होती है। तो मैं शारीरिक तौर पे थोड़ा कम, या हम समझते हैं जैसा कि ये कम होंगे, मानसिक तौर पे क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी है अनुष्का के कैरेक्टर, तो वैसी हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, और दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की बबीता जो कटरीना प्ले कर रही हैं, वो इमोशनली जज्बाती तौर पे कमजोर हैं, जिंदगी में कुछ अभाव है उसका। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे की कहानी में मिलते हैं, और कैसे एक दूसरे से कोई भी एक्सटीरियर फैक्टर के बिना अपनी अपनी कहानी इसलिए पूरी कर लेते हैं कि उनको लगता है कि यार जिंदगी में बहुत कुछ है जीने को सिवाय गम के, और हम सोचते रहे कि हम कम हैं। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि पढ़ाई के वक्त बच्चे जो हैं कभी कभी झूठ जाते हैं कि यार मुझे 90% नहीं मिले, कभी कभी दोस्तों में कपड़े जो होते हैं उसकी आजकल इतनी चर्चा हो गई कि अरे तुम अच्छा नहीं दिखते, तुम पतले नहीं हो, तुम्हारे बाल ठीक नहीं हैं, तुम ऐसे नहीं हो। आई थिंक ये बातें जो हैं जेन्युइनली आप मान के रखें कि आप एक ही हो, और आपको भगवान ने बनाया इसलिए ऐसा है क्योंकि आप यूनिक नहीं होते तो इस धरती पर आपका कुछ काम नहीं होता। तो उस जिंदगी को सेलिब्रेट करें और खुश रहें, आबाद रहें, और ये फिल्म जो है इसलिए हमने जो तीनों किरदार हैं, हालांकि कमियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी सहानुभूति नहीं मांगते, एम्पैथी नहीं मांगते, संघर्ष करते हैं, और किसी से ऐसा नहीं कि हम पे तरस खाओ। तो हमको तरस के किसी चीज़ के मोहताज नहीं होना चाहिए, हमको ज़िंदगी जियेंगे और ज़िंदगी हमारा ध्यान रखेगी। बहुत ही नीक, मैं देखा जाए तो बहुत ही नीक मकसद है आपकी फिल्म का, और हम आपको शुभकामनाएं देंगे अपनी पूरी टीम की तरफ से कि आपकी फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर हो। थैंक यू मुकेश, और हम दोबारा फिर एक बार मिले आपके साथ। थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू।